Hello students, today we are discussing some important adjustments of final accounts as a part of our revision series. So let's get started, come on. So in all questions of final accounts, you know that you have a trial balance given, and suppose in your trial balance you find leasehold premises 80,000 rupees. So sabse pehle isko aap kahan likhenge bolo? This will come in balance sheet ka एसेट्स है, करेक्ट। और बहुत ही फेमस एडजस्टमेंट है, ऐसा आता है कभी कभी एग्जाम में कि लीज होल्ड प्रीमाइसेस इज टू रन फॉर 10 इयर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1st October 2018। बहुत फेमस एडजस्टमेंट है। अब इसको डील कैसा करने का, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। इसके लिए पहले आपको समझना होगा कि लीज का मतलब क्या होता है। लीज मतलब आपने एक जगह अक्वायर किया है फॉर अ टेम्पररी पीरियड। तो अपना सम का अगर आप बात करेंगे तो आपने जो लीज अक्वायर किया है एडजस्टमेंट में लिखा है कि 10 सालों के लिए आपने अक्वायर किया है। समझ आ रहा है? अच्छा, अभी क्या डेट को अक्वायर किया आपने? 1st October 2018 को अक्वायर किया। तो कभी भी याद रखना, जब भी एडजस्टमेंट में डेट दिया रहेगा ना, तो आप सबसे पहला क्या करोगे पता है? ट्रायल बैलेंस का ऊपर क्या डेट दी है वो दिखोगे। तो यू विल फाइंड कि ट्रायल बैलेंस के ऊपर डेट दिया है 31st March 2019। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि 31st March 2019 को आपका ईयर एंड होता है। दैट मीन इट इज ऑब्वियस दैट 1st April 2018 को ईयर चालू होता रहेगा। सिंपल बात है। एंड एडजस्टमेंट में डेट लिखा है 1st October 2018। मतलब एग्जामिनर क्या बोल रहे हैं आपसे कि 1st October 2018 को उसने क्या किया है, लीज खरीदा है 10 सालों के लिए और 80,000 पे करके आया। इसका मतलब ये समझो कि ये जो 80,000 पे की है ना, वो खाली 10 साल के लिए है। 10 साल के बाद द वैल्यू ऑफ दैट 80,000 विल बिकम जीरो। तो इन शॉर्ट हर साल का डिप्रिसिएशन इज ₹8,000। Is this part very clear? अभी आपने क्या ढूंढना है पता है कि करंट ईयर का डेप्री कितना है? हर साल का डेप्री 8,000 है, ठीक है। अब करंट ईयर का डेप्री कितना है ये हमें ढूंढना है। तो सवाल ये कि वो कैसा मालूम पड़ेगा? आपको पता है कि आपका ईयर एंडिंग 31st मार्च है। आपको पता है कि आपने 1 अक्टूबर को लीज लिया है। तो अक्टूबर से लेके मार्च अगर आप गिनेंगे तो यू विल फाइंड कि 6 months falls inside current year। तो साल का डेप्री 8,000 है हमें मालूम है, और हमें 6 महीने का डेप्री का खोज है। दैट मीन्स करंट ईयर का डेप्री इज ओनली ₹4,000। ये 4,000 को हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट का एसेट साइड पे लीज होल्ड प्रीमाइसेस से माइनस करेंगे और पी एंड एल अकाउंट का डेबिट साइड पे लिखेंगे। क्लियर एकदम? तो आपका सॉल्यूशन में आप कुछ इस तरह प्रेजेंट करोगे इसको। बैलेंस शीट का एसेट साइड में आप लिखेंगे लीज होल्ड प्रीमाइसेस 80,000 माइनस डेप्रिसिएशन लिखेंगे 4,000, और आउटर कॉलम पे आएगा 76,000, और पीएनएल का डेबिट में आप लिखेंगे टू डेप्री ऑन लीज होल्ड प्रीमाइसेस 4,000 रुपीस। फाइन, नाउ लेट्स मूव ऑन टू एडजस्टमेंट नंबर 2। अगेन आई एम टेकिंग अ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में सपोज दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट और अमाउंट है 3,600। कहां पर आएगा? पीएनएल का डेबिट में आएगा। और काफी बार है ना, ये एडवर्टाइजमेंट का नीचे ब्रैकेट में ऐसा लिख देते हो फॉर 3 years विद इफेक्ट फ्रॉम 1st January 2019। तो इसको टैकल कैसा करने का, तो प्लीज समझो ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है ना फॉर 3 years विद इफेक्ट फ्रॉम 1st January 2019, इसको हम लोग बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। तो नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू कि हाउ टू डील विद दिस हिडन एडजस्टमेंट, इसको क्रैक कैसा करने का। तो अगेन ट्रायल बैलेंस का डेट आपका है 31st March 2019। 31st March 2019 को आपका ईयर एंडिंग होता है। That means 1st April 2018 को आपका ईयर चालू हुआ रहेगा। तो एग्जामिनर क्या बोल रहे हैं आपसे कि 1st Jan 2019 को वो एडवर्टाइजमेंट पे करके आ गया 3 सालों के लिए, और कितना अमाउंट पे किया उसने? 3,600 पे किया। मतलब एग्जामिनर आपसे बोल रहे हैं कि 3,600 जो पे किया है वो 3 years के लिए पे किया है। दैट मीन्स 1 year का अमाउंट इज 1200 या पर ईयर अमाउंट इज 1200। अभी हम क्या ढूंढेंगे कि करंट ईयर का अमाउंट कितना आता है। तो सिंस 1st Jan 2019 को ही आपने पे किया हुआ है,
तो जनवरी से लेके आप ईयर एंडिंग मार्च तक गिरेंगे तो यू विल फाइंड कि 3 महीना ही करंट ईयर का अंदर फॉल होता है. दैट मींस करंट ईयर का एक्सपेंस विल बी 1200 × 3/12, दैट इज 300 रुपया. इज दिस वेरी क्लियर? दिस इज करंट ईयर का एक्सपेंस. सो इन शॉर्ट, आपने जो 3600 पे किया है ना, उसमें से 300 रुपया ही करंट ईयर का एक्सपेंस है. तो अगर 300 रुपया ही करंट ईयर का एक्सपेंस है, इसका मतलब 3600 माइनस 300, दैट इज 3300 जो है वो प्रीपेड है. ये 3300 को हम लोग क्या करेंगे, पीएनएल का डेबिट में एडवर्टाइजमेंट से माइनस करेंगे और बैलेंस शीट का एसेट साइड में लिख कर आएंगे. समझे? तो इसको आप इस तरह प्रेजेंट करेंगे. देखो, आपका फाइनल अकाउंट में यू विल राइट पीएनएल में 2 एडवर्टाइजमेंट 3600, माइनस करेंगे प्रीपेड 3300, आउटर कॉलम पे आएगा 300 रुपया, और ये जो 3300 आपने माइनस किया उसको आप बैलेंस शीट का एसेट साइड में लिखेंगे. इज दिस क्लियर? लेट्स गो टू एडजस्टमेंट नंबर 3 नाउ. अगला एडजस्टमेंट में यू विल फाइंड कि वापस ट्रायल बैलेंस है. ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ इंश्योरेंस, उसका अमाउंट है 18,000 रुपया, और ब्रैकेट में एग्जामिनर ऐसा दे दिया 1 January 2019 टू 31 December 2019. तो ये जो इंश्योरेंस है वो कहां पर आएगा? पहले तो पीएनएल का डेबिट में आएगा, और ब्रैकेट में जो इंफॉर्मेशन दिया है, समझ जाओ कि अगेन इट्स अ हिडन एडजस्टमेंट. तो सॉल्व कैसा करेंगे उसको? तो अगेन वी विल सी कि अपना ईयर एंडिंग क्या है. तो ट्रायल बैलेंस का ऊपर देखा तो मालूम पड़ता है कि अपना ईयर एंडिंग इज 31 March 2019. दैट मीन्स ईयर चालू हो रहेगा 1 April 2018 को, और एग्जामिनर क्या बोल रहे हैं कि 1 January 2019 को इंश्योरेंस भर के आया वो 18,000 रुपया 12 महीनों के लिए. आप देखो ना, जैन से दिसंबर इज 12 months, 12 मंथ्स के लिए पे करके आया. अब ये जो 12 मंथ्स के लिए वो भर के आया ना, उसमें से यू विल फाइंड कि जैन फेब और मार्च 3 महीना ही करंट ईयर का अंदर फॉल होता है. दैट मींस 18,000 × 3/12 करेंगे, यू विल फाइंड 4,500 ही करंट ईयर का एक्सपेंस है. तो अगर 4,500 ही करंट ईयर का एक्सपेंस है 18,000 में से, बराबर है, दैट मींस बाकी का जो अमाउंट है ना, दैट इज 18,000 माइनस 4,500 करेंगे तो 30,500 जो अमाउंट आता है वो आपका प्रीपेड माना जाएगा. ये प्रीपेड को आप क्या करेंगे? लेस फ्रॉम इंश्योरेंस करेंगे पीएनएल का डेबिट में और बैलेंस शीट का एसेट साइड में दिखाएंगे. तो लेट्स अंडरस्टैंड कि कैसा प्रेजेंट करना है इसको. तो पीएनएल का डेबिट में लिखेंगे हम लोग टू इंश्योरेंस, इनर कॉलम पे 18,000, माइनस करेंगे प्रीपेड 13,500, आउटर कॉलम पे आएगा 4,500, और ये 13,500 आप क्या करेंगे? बैलेंस शीट का एसेट साइड में लिखेंगे एज प्रीपेड इंश्योरेंस. क्लियर? तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट नाउ. सो अगेन आई एम लुकिंग एट ट्रायल बैलेंस, एंड ट्रायल बैलेंस में सपोज यू फाइंड एसेट ऑफ द ईयर, सैलरीज, रेंट, मशीनरी, बैड डेट्स, वेजेस, ऐसा बहुत कुछ दिया है, और क्रेडिट साइड पर है 10% बैंक लोन, और ब्रैकेट में ऐसा कुछ तो भी लिखा है टेकन ऑन 1 October 2018. तो इसको सॉल्व कैसा करना है, लेट्स डिस्कस. तो पहला बात तो ये 10% बैंक लोन जो 1 lakh rupees दिखता है वो बैलेंस शीट का लायबिलिटी में आएगा. 10% स्टैंड्स फॉर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड ब्रैकेट में दिया है टेकन ऑन 1 October 2018. तो समझ जाओ कि उसके अंदर एक हिडन एडजस्टमेंट है. किसका? इंटरेस्ट का. तो अब ये इंटरेस्ट वाला हिडन एडजस्टमेंट को सॉल्व कैसा करने का, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. तो 1 अक्टूबर 2018 को आपने लोन लिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस का डेट देखो गया है कि 31 मार्च 2019 है, तो क्लियर मालूम पड़ता है कि लोन लेके 6 महीना हुआ है, तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल. तो लेट अस कैलकुलेट दैट 6 मंथ्स का इंटरेस्ट. तो 1 lakh rupees का लोन है, 10% इंटरेस्ट का रेट है, और 6 महीने का इंटरेस्ट अपने को चाहिए, मतलब 1 lakh × 10% × 6/12, तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कम्स टू ₹500. और सिंस आपने लोन लिया है तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, मतलब ये एक्सपेंस वाला इंटरेस्ट है. तो सिंस ये एक्सपेंस वाला इंटरेस्ट है, तो आपने क्या करना है, चेक करना है कि ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड पे है क्या. क्यों? बिकॉज ऑल एक्सपेंसेस हैव डेबिट बैलेंस. तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड पे ढूंढने का कि इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन दिखता है क्या. तो यू विल फाइंड चेक करने पे कि ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड पे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन दिखता ही नहीं है. अब अगर डेबिट साइड पे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन दिखता ही नहीं है, मतलब समझ जाओ कि इंटरेस्ट पे ही नहीं हुआ. तो
तो इंटरेस्ट पे ही नहीं हुआ है, मतलब रुपीज 5000 इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये आपका हिडन एडजस्टमेंट है। इसका दो इफेक्ट क्या होगा, खर्चा वाला इंटरेस्ट है इसके लिए पीएनएल का डेबिट में आएगा, और ये पेएबल है तो बैलेंस शीट का लायबिलिटी में हम लोग क्या करेंगे, लोन में ऐड करेंगे। तो आपका आंसर में कुछ प्रेजेंट इस तरह होगा, लोन को आप बैलेंस शीट का इंटरेस्ट को पीएनएल का डेबिट में लिखेंगे तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट करके, बैलेंस शीट का लायबिलिटी में लोन दिखाएंगे 1 लाख, और उसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटर कॉलम पे आएगा 1,05,000। इज दिस वेरी क्लियर? नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट एडजस्टमेंट। तो अगेन आई एम लुकिंग अ ट्रायल बैलेंस, सो ट्रायल बैलेंस में यू फाइंड के ऐसा बहुत कुछ फिगर्स दिया हुआ है डेबिट साइड पर, ठीक है, और क्रेडिट साइड पर दिया हुआ है 10% बैंक लोन, ब्रैकेट में लिखा है टेकन ऑन 1st October, और लोन का अमाउंट है 1 लाख। अगेन ये लोन तो लायबिलिटी में आएगा, 1 अक्टूबर को लिया हुआ है, मतलब इंटरेस्ट एप्लीकेबल है 6 मंथ्स के लिए, बराबर है, एंड 6 मंथ्स का इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया है, इट कम्स टू रुपीज 5000। अभी आप चेक करेंगे ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड पे इंटरेस्ट है क्या, यू विल फाइंड के ट्रायल बैलेंस का डेबिट में इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, आर यू एबल टू सी, और कितना इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है डेबिट साइड पे, 2500 रुपीज दिखाई दे रहा है, बराबर, तो 2500 इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब टोटल 6 महीने का इंटरेस्ट 5000 होता है, 5000 में से 2500 ऑलरेडी पे हो चुका है जो ट्रायल बैलेंस का अंदर नजर भी आ रहा है, तो बाकी का जो 2500 है ना उसी को आउटस्टैंडिंग मान लेगा। इज दिस पार्ट वेरी क्लियर? तो इसका दो इफेक्ट अभी सोचने का, अगेन खर्चा वाला इंटरेस्ट है तो खर्चा वाला इंटरेस्ट है तो पीएनएल का डेबिट में लिखेंगे, और पीएनएल का डेबिट में क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट ट्रायल बैलेंस का अंदर बैठा है ऑलरेडी उसके साथ ऐड करेंगे, और बैलेंस शीट का लायबिलिटी में ऐड टू लोन करेंगे। तो आपका आंसर में वो प्रेजेंट कुछ इस तरह होगा, पीएनएल का डेबिट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन जो ट्रायल बैलेंस का अंदर बैठा है 2500 रुपया, उसमें आप ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 2500, तो आउटर कॉलम पे आएगा 5000, और ये जो आउटस्टैंडिंग आपने इधर ऐड किया वो बैलेंस शीट लायबिलिटी में लोन में ऐड करेंगे। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? लेट्स नाउ गो टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। तो अगेन आई एम लुकिंग अ ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस में यू फाइंड के डेबिट में ऐसा फिगर्स दिया हुआ है, और उसी में एक यूनिक नाम है कॉल्ड 6% इन्वेस्टमेंट्स, और अमाउंट दिया है 20000, ब्रैकेट में बोलते हैं परचेज ऑन 1st July 2018, ऐसा ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड पे दिया हुआ है, करेक्ट, और क्रेडिट साइड पे ये सब फिगर्स दिए। लेट अस नाउ फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट्स। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट्स तो बिजनेस के लिए एसेट होता है, तो इन्वेस्टमेंट्स कहां पर आएगा, बीए में आएगा, क्लियर है। 6% स्टैंड्स फॉर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ब्रैकेट में दिया है परचेज ऑन 1st July 2018। तुरंत आपने क्या करना है, देखना है कि ट्रायल बैलेंस का डेट क्या है, यू विल फाइंड ट्रायल बैलेंस का डेट इज 31st March 2019। इसका मतलब यू फाइंड के जुलाई से लेके मार्च, मतलब 9 मंथ्स का इंटरेस्ट उसके ऊपर लागू होता है, तो 20000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट का रेट है 6% इंटू 9/12 आपने करना है, तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट आपको आ जाता है 900 रुपया, और हम लोग अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलता है, मतलब ये इनकम वाला इंटरेस्ट है, तो इनकम वाला इंटरेस्ट को क्या करने का, क्रेडिट साइड पे ढूंढने का ट्रायल बैलेंस का, बिकॉज इनकम्स हैव क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट साइड पे अगर आप चेक करेंगे ना ट्रायल बैलेंस का, तो यू विल फाइंड कि क्रेडिट साइड पे इंटरेस्ट है ही नहीं, इसका मतलब ये है कि आपको इंटरेस्ट मिला ही नहीं है, इसका मतलब इंटरेस्ट मिलना बाकी है, और जो इंटरेस्ट मिलना बाकी है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्रूड इंटरेस्ट, समझा गया? तो 900 रुपया क्या है, एक्रूड इंटरेस्ट है। ये 900 रुपया जो आपका एक्रूड इंटरेस्ट है, ये दो जगह पर आएगा, सिंस ये इनकम वाला इंटरेस्ट है इसके लिए पीएनएल का क्रेडिट साइड पे आएगा, और सिंस ये मिलना बाकी है तो बैलेंस शीट का एसेट साइड पे आएगा, इसको इन्वेस्टमेंट में ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, बैलेंस शीट का एसेट साइड पे सेपरेटली दिखाने का। तो आपका सॉल्यूशन में कुछ इस तरह नजर आएगा, पीएनएल में आप लिखेंगे बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 900 रुपया, बैलेंस शीट का एसेट साइड पे इन्वेस्टमेंट दिखेगा 20000 रुपया अलग सा, और एक्रूड इंटरेस्ट अलग सा दिखेगा 900 रुपया। इज दिस वेरी क्लियर? लेट्स गो टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट नाउ। तो अगेन ट्रायल बैलेंस पिक कर रहा हूं मैं, ट्रायल बैलेंस में बहुत कुछ है,
एंड उसका डेबिट साइड पे एक यूनिक नाम है 8% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, उसका अमाउंट है 40,000, ब्रैकेट में लिखा है परचेज ऑन 1st January 2019, और क्रेडिट साइड पे ऐसे बहुत कुछ फिगर्स अवेलेबल है, ठीक है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कि 8% गवर्नमेंट बॉन्ड जो है ये भी क्या है, इन्वेस्टमेंट है, तो ये भी बैलेंस शीट का एसेट साइड पर ही आएगा। 8% स्टैंड फॉर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ब्रैकेट में लिखा है कि परचेज ऑन 1st January, ट्रायल बैलेंस का डेट देखो 31st March है, तो जैन फेब मार्च खरीद के 3 महीना हो गया है, तो 3 महीने का इंटरेस्ट उसके ऊपर लागू होता है। तो 40,000 का बॉन्ड्स है, इंटरेस्ट का रेट 8% है, तो इंटू 8/100 इंटू 3/12 करेंगे तो 3 महीने का इंटरेस्ट आता है, विच कम्स टू ₹800। हमने बॉन्ड्स खरीदा है, हमने इन्वेस्ट किया है, तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब ये इनकम वाला इंटरेस्ट है। तो ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड पे देखने का, तो यू विल फाइंड कि ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड पे इंटरेस्ट है, और कितना है देखो 400 ही है, जबकि हमारा गणित बोल रहा है कि ₹800 इंटरेस्ट मिलना चाहिए। दैट मीन्स 800 में से आपको 400 मिल चुका है, करेक्ट ना, 800 में से 400 मिल चुका है, दैट मीन्स ₹400 मिलना बाकी है। तो ये जो ₹400 मिलना बाकी है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एक्रूड इंटरेस्ट, समझे। तो ये 400 का दो इफेक्ट होगा, इनकम वाला इंटरेस्ट है, इसके लिए पीसी में तो आना ही है, और सिंस ट्रायल बैलेंस में पहले से पीसी वाला इंटरेस्ट मौजूद है, उसमें हम लोग ऐड करेंगे इसको, और सिंस ये मिलना बाकी है तो बैलेंस शीट का एसेट साइड पे सेपरेटली दिखाएंगे। तो आपका सॉल्यूशन में कुछ इस तरह नजर आएगा, पीएनएल का क्रेडिट साइड पे इंटरेस्ट होगा जो पहले से ट्रायल बैलेंस में दिखता है, वो वाला इंटरेस्ट उसमें ऐड करेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट ₹400, आउटर कॉलम पे ₹800 आएगा, बैलेंस शीट का एसेट साइड पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स आएगा, और उसका नीचे आएगा आपका एक्रूड इंटरेस्ट 400। क्लियर? नाउ लेट्स डिस्कस समथिंग मोर। सो अगेन लेट अस सी कि एक ट्रायल बैलेंस दिया है, ठीक है, और ट्रायल बैलेंस में लिखा है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, करेक्ट, प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन, फिर लिखा है प्रोविडेंट फंड, और फिर लिखा है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। बहुत जन को इन चार चीजों को लेके बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि किसको कहां लिखने का, तो आज वो कंफ्यूजन भी दूर कर लेते हैं हम लोग। तो पहला बात ये समझते हैं कि प्रोविडेंट फंड एक्चुअली होता क्या है। सो प्रोविडेंट फंड का मतलब ये होता है कि एम्प्लॉय का रिटायरमेंट के लिए बिजनेस जो है पैसा एक्यूमुलेट करता है। तो कैसा एक्यूमुलेट करता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज आप एक जन को जॉब देते हो आपके यहां पर, और मंथली सैलरी फिक्स होता है ₹10,000। तो गवर्नमेंट ऐसा बोलता है कि आप क्या करो, आपका एम्प्लॉय का हाथ में 10,000 मत दो, कुछ कट कर लीजिएगा। सपोज आप ₹1,000 कट करने का प्लान करते हो, यानी हर महीना आप एम्प्लॉय को कितना पे करोगे, 10,000 माइनस 1,000, 9,000 दोगे उसको। अब ये जो 1,000 आपने कट किया ना, गवर्नमेंट बोलता है उसको साइड में रखो। अभी सिंस आपने 1,000 उसका पगार से कट किया, आप एज अ बिजनेस आप भी 1,000 कॉन्ट्रीब्यूट करो, ऐसा गवर्नमेंट आपको बोलता है। तो इन शॉर्ट हर महीना कुल मिला के ₹2,000 आपको एम्प्लॉय के नाम पे अलग करते जाना है। 2,000 का समझा हिसाब कैसा आ रहा है, ₹1,000 एम्प्लॉय का पगार से कट हो रहा है, और ₹1,000 बॉस खुद भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये जो ₹2,000 हर महीना अलग होता है ना, इसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड, समझ गया। और बिजनेस के लिए ये प्रोविडेंट फंड क्या है, लायबिलिटी है, बी एल में आएगा। क्लियर है? अगर आपने एग्जाम्पल मेरा ध्यान से सुना, तो मैंने आपको ऐसा बोला कि प्रोविडेंट फंड के अंदर दो चीज जाता है, एक वो अमाउंट जो एम्प्लॉय का पगार से कटता है, और एक वो अमाउंट जो एम्प्लॉयर भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो एम्प्लॉयर जो ₹1,000 कॉन्ट्रीब्यूट करता है ना, उसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन। देखो ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड पे दिख रहा है, ये प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो कहां पर आएगा, पीएनएल का डेबिट साइड पे आएगा। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? तो प्रोविडेंट फंड बैलेंस शीट का लायबिलिटी में आता है, प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन पी एंड एल अकाउंट का डेबिट साइड पे आता है, बिकॉज बिजनेस के लिए वो खर्चा है, ये वो अमाउंट है जो बॉस कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एम्प्लॉय का रिटायरमेंट के लिए, करेक्ट। अच्छा, अभी गवर्नमेंट ऐसा भी बोलते हैं कि ये जो प्रोविडेंट फंड का पैसा आप जमा कर रहे हो ना हर महीना, एम्प्लॉय का पगार से भी कट कर रहे हो, आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो ये जो अमाउंट है आप खुद के पास मत रखिएगा,
इसको हमारे पास आके इन्वेस्ट कीजिएगा। तो वहां से नया नाम निकलता है कॉल्ड प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। आप देखिए ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड पर है, ये जस्ट लाइक एनी अदर इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट का एसेट साइड पे आएगा। अब ये जो इन्वेस्टमेंट आपने किया गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट है ना, इसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करता है। तो वहां से नया नाम निकलता है कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। ये जो इंटरेस्ट है ना, ये बिजनेस एंजॉय नहीं कर सकता, बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड, प्रोविडेंट फंड का पैसा किसको बिलोंग करता है? एम्प्लॉई को बिलोंग करता है। जब भी वो रिटायर होएगा उसको मिलेगा प्रोविडेंट फंड का पैसा, तो उस पैसा का इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है ये। तो ये इंटरेस्ट भी है ना एम्प्लॉई को ही मिलना चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट को आप इनकम मतलब पीसी में नहीं लिख सकते हो, उसको क्या करना है लायबिलिटी साइड पे प्रोविडेंट फंड में ही आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इज दिस पार्ट वेरी वेरी क्लियर? सो इन शॉर्ट इसका पोस्टिंग को जैसा होगा आपका पीएनएल में डेबिट साइड पे आएगा प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगा प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, लायबिलिटी में आएगा प्रोविडेंट फंड, और उसमें ऐड होएगा इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट। फाइन, लेट्स गो अहेड नाउ, लेट्स गो टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। बहुत फेमस है ये, क्लोजिंग स्टॉक को लेके आता है ये। तो काफी बार ऐसा एडजस्टमेंट में दिया रहता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 92,000 विच इज 15% अबव कॉस्ट। ठीक है, वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिए, एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक का मार्केट वैल्यू 92,000 है विच इज 15% अबव कॉस्ट। अबव कॉस्ट मतलब कॉस्ट के ऊपर 15%। तो प्लीज समझ जाओ कि आपको जो वैल्यू दिया है वो कॉस्ट से 15% ज्यादा वाला वैल्यू दिया हुआ है। तो कॉस्ट से 15% ज्यादा वाला वैल्यू का मतलब आपको जो वैल्यू दिया हुआ है वो हायर वाला वैल्यू है, जबकि हमने ऐसा सीखा है कि क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो वी नाउ नीड टू फाइंड आउट द लोअर वाला वैल्यू। तो सवाल यह है कि हाउ डू वी फाइंड आउट द लोअर वाला वैल्यू। उसके लिए क्या करने का, एज्यूम करने का कि ओरिजिनल वैल्यू 100 है। ठीक है, अगर आप ओरिजिनल वैल्यू 100 मानते हो और ये अगर 15% अबव 100 है, मतलब ये है ना 115 है। मतलब मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि आपको जो 92,000 वैल्यू दिया गया है वो 115 है। तो अगर 92,115 है तो आपको ढूंढना है कि भाई 100 कितना है। तभी हम लोग क्या करेंगे बोलो, यू विल गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब 92,000 इनटू 100 अपॉन 115 करेंगे। आप जब ये कैलकुलेशन करेंगे तो यू फाइंड कि द कॉस्ट का वैल्यू कम्स डाउन टू ₹80,000। ये कॉस्ट है, इसका आप 15% कैलकुलेट करेंगे ना, तो 80,000 का 10% कितना होता है, 8,000 होता है, 5% होता है 4,000, मतलब 15%, 12,000 हो गया, और 80 + 12 होता है 92,000 जो ऊपर दिया हुआ है। समझ गया? तो लोअर वाला अमाउंट इज 80,000 और ये 80,000 को आपने क्या करना है, टीसी और बीए में लिखने का है। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? अभी क्लोजिंग स्टॉक का अगला एडजस्टमेंट देखो। कभी कभी है ना एग्जामिनर ऐसा बात करेगा और बोलेगा मार्केट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 72,000 विच इज 10% बिलो कॉस्ट। वर्डिंग्स पे ध्यान दो, 10% बिलो कॉस्ट, कॉस्ट से 10% कम है बोल रहे हो। कम है मतलब प्लीज अंडरस्टैंड यही छोटू वाला वैल्यू है, और अगर यही छोटू वाला वैल्यू है मतलब इसी को आपको क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट में लिखना है। समझ गया? तो अबव रहेगा ना तो प्रॉब्लम होता है, बिलो रहेगा तो जो वैल्यू दी है उसी को डीसीबी में लिख देने का। क्लियर? नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस बना के दिया हुआ है, बराबर है, और ट्रायल बैलेंस में है ना यू फाइंड पार्टनर्स कैपिटल दिया है ऐसे, और ये भी दिया है पार्टनर्स करंट अकाउंट भी। कभी दिखा है आपने ऐसा?
तो ट्रायल बैलेंस में अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों मौजूद है, इसका मतलब क्या है? द बिजनेस इज फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड मतलब पार्टनर्स क्या बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा कैपिटल को फिक्स रखो। इसके लिए क्या करना पड़ता है, ये जो कैपिटल है वो सीधा बैलेंस शीट का लायबिलिटी में लिख देते हैं हम लोग, और करंट अकाउंट का हम लोग लेजर बनाते हैं, कॉलम वाला, एबी वाला, वो करंट अकाउंट का लेजर बनेगा। और एडजस्टमेंट में है ना, कभी कभी ऐसा देते हो कि प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%, करेक्ट? तो कैपिटल आपको पता है कि कौन दिया है, पार्टनर्स ने बिजनेस को दिया है कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या है, पार्टनर्स बोल रहे हैं कि हमको हमारा कैपिटल पे इंटरेस्ट चाहिए। तो पार्टनर्स के लिए ये गेन होता है और बिजनेस के लिए ये क्या होता है, लॉस होता है। तो बिजनेस के लिए लॉस है तो ये पीएनएल अकाउंट का डेबिट में लिखने का, और पार्टनर्स के लिए गेन होने के कारण इसको हम लोग क्या करेंगे, करंट अकाउंट का क्रेडिट में लिखेंगे। तो भी अक्सर डाउट ये आता है कि सर ये 10% जो रेट दिया हुआ है सर, वो कैलकुलेट किस पे करने का, सर कैपिटल पे करेंगे करंट अकाउंट पे करने का? तो वर्डिंग्स पे ध्यान दो, क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसा बोल रहे हैं ना, तो कैलकुलेट तो आपको कैपिटल पे ही करना है, लेकिन लिखने का करंट अकाउंट। सो इन शॉर्ट, आपका कैपिटल का अमाउंट कितना दिया है, 1 लाख और 2 लाख दिया है ना, 1 लाख और 2 लाख का 10% करने का। तो 1 लाख का 10% इज 10,000, 2 लाख का 10% इज 20,000। तो ये 10 और 20 को आप क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट का डेबिट में लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसे ए बी करेंगे, क्लियर है? और करंट अकाउंट में जहां पे ओपनिंग बैलेंस है उसके नीचे आप लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैलकुलेट हमने किसके ऊपर किया, कैपिटल पे किया, लेकिन लिखा किसमें, करंट अकाउंट में लिखा, क्लियर है? तो ये था अपना फाइनल अकाउंट्स का रिवीजन। आई होप दिस वीडियो वॉज एक्सट्रीमली यूजफुल टू यू। फॉर मेनी मोर वीडियोज लाइक दिस प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल मेंसा कॉमर्स क्लासेस एंड हिट द लाइक बटन एंड शेयर द लिंक एज वेल। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट।